अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी बेस्ट नर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम दी बेस्ट नर्स ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ का सेकंड लेक्चर स्टडी करेंगे। जैसे कि आपको पता है, हमने फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी और इम्पोर्टेंट एनाटॉमिकल टर्म्स देखी थी। सेकेंड लेक्चर में हम रिलेशन बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और एनाटॉमिकल पोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड प्लेन्स ऑफ बॉडी डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो द टॉपिक इज़ रिलेशन बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। द रिलेशनशिप बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर दैट दे विल ऑलवेज कोरिलेट विद ईच अदर। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमेशा एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। एनाटॉमी बीइंग द स्टडी ऑफ द एक्चुअल फिजिकल ऑर्गन्स एंड देयर स्ट्रक्चर एज वेल एज देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर। एनाटॉमी का हमेशा फोकस स्ट्रक्चर के फिजिकल ऑर्गन्स पर होता है और डिफरेंट ऑर्गन्स का आपस में क्या रिलेशन होता है। वाइल फिजियोलॉजी स्टडीज़ हाउ दोज ऑर्गन्स वर्क टू फंक्शन द होल बॉडी एज अ ऑर्गन सिस्टम। फिजियोलॉजी इन ऑर्गन्स के फंक्शन पर फोकस करती है। अब देख लेते हैं एनाटॉमिकल पोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। द इरेक्ट पोजिशन ऑफ द बॉडी विद द फेस डायरेक्टेड फॉरवर्ड, द आर्म्स एट द साइड एंड पाम्स ऑफ द हैंड फेसिंग फॉरवर्ड used as a reference in describing the relationship of body parts to one another. तो ये ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमिकल पोजिशन है। अगर आपने किसी बॉडी ऑर्गन को डिस्क्राइब करना है, इसको रेफरेंस देकर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमिकल पोजिशन क्या है, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल टर्म्स देख लेते हैं। एज यू ऑल नो, एनाटॉमिकल पोजिशन स्टैंडिंग इरेक्ट फेस फॉरवर्ड, आर्म्स एट साइड एंड पाम फेसिंग फॉरवर्ड। ये टर्म्स एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज सुपीरियर इज अपर, सेकंड इन्फीरियर, लोअर, थर्ड एंटीरियर वेंट्रल साइड, फोर्थ पोस्टीरियर बैक या डॉर्सल साइड, फिफ्थ वन इज मीडियल साइड मिडल, सिक्स लेटरल यानी आपकी साइड्स पर, सेवन्थ वन इज प्रॉक्सिमल ये भी अपर को इंडिकेट करती है, एट्थ डिस्टल लोअर को, नाइन सुपरफिशियल एंड लास्ट इज डीप। मज़ीद डायग्राम्स आपकी इन टर्म्स को एक्सप्लेन कर रही है। अगर आप अपनी एनाटॉमी को बेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये टर्म्स आपको आनी चाहिए। इसके बाद हमारा टॉपिक है बॉडी प्लेन्स। एन एनाटॉमिकल प्लेन इज़ अ स्ट्रक्चर यूज्ड टू ट्रांजिट द ह्यूमन बॉडी इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स और डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। एनाटॉमिकल पोजीशन बेसिकली ये होती है कि हम बॉडी को डिफरेंट प्लेन्स में डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि कौन सा बॉडी स्ट्रक्चर किस प्लेन में है, ताकि हमें इजी रहे, और डिफरेंट मूवमेंट्स के वक्त भी हम कह सकते हैं कि अब बॉडी की किस प्लेन में मूवमेंट है। बेसिकली हमने बॉडी को थ्री प्लेन्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ सेजिटल प्लेन, सेकेंड वन इज़ क्रोनल या फ्रंटल प्लेन एंड थर्ड वन इज़ ट्रांसवर्स प्लेन। आपकी एनाटॉमिकल स्टडी के लिए ये प्लेन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक एक प्लेन को एक्सप्लेन करेंगे कि इन प्लेन्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट वन इज़ सेजिटल प्लेन। बेसिकली सेजिटल प्लेन बीइंग अ प्लेन पैरेलल टू द सेजिटल सुचर्स डिवाइड्स द बॉडी इनटू सिनिस्टर एंड डेक्स्टर। सेजिटल प्लेन आपकी बॉडी को लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करके लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इन सिंपल वर्ड हम इसे मिडल लाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको डिवाइड करने से आपकी बॉडी राइट एंड लेफ्ट पोर्शन में डिवाइड हो जाती है। द मिड सेजिटल और मीडियन प्लेन इज़ द मिडल लाइन। इट वुड पास थ्रू द मिडल लाइन स्ट्रक्चर सच एज नेवल और स्पाइन एंड ऑल द अदर सेजिटल प्लेन्स ऑल्सो रेफर टू एज पैरा सेजिटल प्लेन्स आर पैरेलल टू इट। इन सिंपल वर्ड इट इज़ द मिडल लाइन, मिड सेजिटल प्लेन ऑफ अदर स्ट्रक्चर्स। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप बॉडी को टू पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, देन इट विल बिकम सेजिटल प्लेन। स्टूडेंट्स, आपको मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए आप देख सकते हैं इस डायग्राम में सेजिटल प्लेन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि एक मिडल लाइन पास हुई है जिसने आपकी बॉडी को राइट एंड लेफ्ट पोर्शन में डिवाइड कर दिया है, जिसे पैरासेजिटल और मिड सेजिटल लाइन भी कहते हैं। सेकेंड वन इज़ क्रोनल और फ्रंटल प्लेन। द क्रोनल और फ्रंटल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू डॉर्सल एंड वेंट्रल, बैक एंड फ्रंट और पोस्टीरियर एंड इंटीरियर पोर्शंस।
जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, क्रोनल और फ्रंटल प्लेन में हम बॉडी को साइड टू साइड डिवाइड करके पोस्टीरियर और इंटीरियर साइड से डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ बैक और फ्रंट भी कह सकते हैं। हमारा लास्ट प्लेन है ट्रांसवर्स और एक्सियल प्लेन। द ट्रांसवर्स प्लेन आल्सो नोन एज एन एक्सियल प्लेन और क्रॉस सेक्शन डिवाइड्स द बॉडी इनटू द क्रेनियल एंड कॉडल हेड एंड टेल पोर्शंस अपर और लोअर पोर्शन। बेसिकली इस प्लेन को हम हॉरिजेंटली लाइन से डिवाइड करते हैं, जिसमें हम अपर और लोअर पोर्शन को डिवाइड कर देते हैं। आई होप स्टूडेंट्स, मैंने आपको इतने सिंपल तरीके से ये प्लेन्स बताए हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैंने काफ़ी शॉर्ट रखा है इसलिए कि स्टूडेंट्स बोर ना हो और एक एक चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें और हम एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर सकें। जितना लेंथी लेक्चर होगा उतनी चीज़ें इग्नोर होंगी, इसलिए हमारा शॉर्ट लेक्चर होगा। कोशिश करें कि आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप लाजमी उसका क्वेश्चन करें। इसके अलावा स्टूडेंट्स, लेक्चर से रिलेटेड अपने रिव्यूज़ लाजमी दें कि आपको वे ऑफ टीचिंग कैसा लग रहा है, आपको स्लाइड्स कैसी लग रही हैं, आप क्या चाहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाने चाहिए, आपको कौन सी चीज़ समझ नहीं आ रही। आप जितना कमेंट्स करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको समझा पाऊँगी, एक्सप्लेन कर पाऊँगी। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।